तो योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज 8 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। वहीं वाहन स्वामियों के नंबर पोर्टेबिलिटी में भी संशोधन किया गया है। आप अपनी पुरानी गाड़ी का पसंदीदा नंबर नई गाड़ी के लिए भी ले सकते हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए शादी अनुदान पर सरकार ने तारीख बढ़ाकर 31 मई से 30 जून कर दी है। इस योजना के अंतर्गत सरकार पिछड़े वर्ग की पुत्रियों की शादियों में अनुदान देती है। अब नियम तोड़ने पर दोगुना वाहन चालान वसूले जाने का फैसला भी लिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास का है, उसके अंदर 2018-19 के अंदर 45.68 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है, 45.68 करोड़ की स्वीकृति जारी करी गई है। उसी तरह पैरा 94 में राज्य संपत्ति विभाग, उसके अंदर 2018-19 के लिए 35.19 करोड़ की जो वित्तीय स्वीकृति है वो जारी की गई है, 35.19। आपकी मेट्रो की जितनी भी परियोजना उत्तर प्रदेश में आएंगी वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तहत उसको बनाया जाएगा। तो सिंगल पर्पस व्हीकल जो बना है वो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन माइनस नोएडा ग्रेटर नोएडा जो मेट्रो रेल चल रहा है, क्योंकि उसका पहले से एक केंद्र सरकार के साथ है तो उसमें इक्विटी जो होती है उसको ट्रांसफर करने में सुविधा नहीं होती है, तो उस कारण उसको नहीं लिया, बाकी सबको ले लिया है। वाहन स्वामियों की नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 51(2) एवं 51(2) में संशोधन। ये संशोधन इतना है कि जो आपकी कोई पुरानी गाड़ी है उसका नंबर अगर आपको बहुत प्रिय है तो जो नई गाड़ी आप लेने वाले हैं उस गाड़ी पर वो आपका पुराना नंबर रजिस्ट्रेशन में आ सकता है अगर आपकी इच्छा हो तो, और जो नया नंबर आपको अलॉट होगा वो आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसके लिए उस नंबर का आप उपयोग कर सकते हैं। ये बदलाव इसमें है।